हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं मार्केट गई थी अपने लिए, मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, ज़्यादा नहीं की थी बिकॉज़ मैं ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खा रही। आई एम ट्राइंग कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करूँ। तो बस बिल्कुल थोड़ी सी स्नैक्स की थी मैंने चाय के साथ, क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ क्रिस्पी सा खाने को दिल करता ही है। तो ये हार्ट बीट बिस्किट हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किए थे। तो इसके मैंने अपने लिए ज़्यादा नहीं, बस 3 पैकेट मैंने इसके लिए वो भी स्मॉल वाले। और इसके अलावा ये निम्को ली है मैंने बिकॉज़ मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी निम्को की। तो एक पैकेट मैंने निम्को का लिया, इससे ज़्यादा नहीं है बिकॉज़ बस चाय के साथ मेरा दिल चाहता है कुछ ना कुछ स्नैकिंग करने को। और इसके अलावा मैंने ली है ये 2 शुगर फ्री बबल्स ली हैं अपने लिए बिकॉज़ मैं शुगर फ्री बबल्स जो है वो डेली खाती हूँ। और शुगर फ्री थी तो लाइक लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने देखा था वहाँ पे शुगर फ्री थी, तो मैंने शुगर फ्री ली। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ, बट इट वाज़ वेरी गुड। तो एक मैंने मिंट फ्लेवर में ली है और दूसरा मैंने वाटरमेलन फ्लेवर में ली है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मुझे था ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये मैंने अपने लिए बिल्कुल थोड़ी सी डाइटिंग वाली बोल दीजिए ग्रोसरी शॉपिंग की। और आज था मेरा सेल्फ केयर डे, तो यहाँ पर जो था मैंने भी वर्कआउट किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा आई वॉज स्वेटिंग, मुझे काफ़ी पसीना आया हुआ था। तो क्योंकि आज मुझे था कि भाई मैं आज अपना पेडीक्योर भी करूँ, सारे काम करूँ, तो मेरा वर्कआउट जो था आज मैंने काफ़ी मोर देन 30 मिनट्स का किया। और उसके बाद जो था मैंने पानी पिया, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज वर्कआउट करके फ़ौरन बात तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं पानी पीती हूँ बिकॉज व्हेन यू डू अ वर्कआउट इन दिस सीज़न, अगर इस सीज़न में आप वर्कआउट करते हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिए। तो मैं ये वाली जो बोतल है दिन में 3 तो लाजमी पीती हूँ, तो बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी बहुत ही ज़रूरी है इस वेदर में। तो यहाँ पर पानी पीने के बाद में मैंने अपने बाकी के काम रीस्टार्ट किए। मैंने अपना पेडीक्योर किया, ये पेडीक्योर फिर मैंने 4 डेज में किया, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। और जो इजी किया फॉर्म पेडीक्योर इजीली अवेलेबल है। तो उसको कॉपी करें 20 मिनट तक जो अपने फीट आपने सॉक करके रखनी है, और आफ्टर 20 मिनट आप रिजल्ट देखें। माशाल्लाह से इट्स वर्किंग वेरी वेरी गुड, मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 4 डेज हो गए हैं कि मैं ये कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिजल्ट। तो क्योंकि मेरे पाँव जो थे ना काफ़ी डार्क हो गए थे, मैंने काफ़ी टाइम से पेडीक्योर नहीं किया था। तो इट्स बीन अ डे 4 मैंने ये जो अपनी रेमेडी बताई है होममेड पेडीक्योर की, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो था मैंने ऑयलिंग की, ऑयलिंग वैसे मैं ओवरनाइट करती हूँ लेकिन मैं रात के टाइम करना भूल गई थी। तो अभी क्योंकि मुझे शावर लेना था अभी, तो शावर लेने से पहले जो था मैंने ऑयलिंग की एटलीस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 1 आवर। हाँ, 1 घंटे भी अगर आप 1 घंटे नहाने से 1 घंटे पहले भी ऑयलिंग कर लो तो इट्स इनफ, बट वीक में 2 दफ़ा तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 दफ़ा तो लाजमी ऑयलिंग करूँ। और ये स्किन केयर की मैंने, स्किन केयर कोई भी फेस मास्क कुछ भी ले लीजिए और उसे 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पर स्क्रब करें, क्योंकि गर्मी है तो मैं कोई ज़्यादा वो रेमेडीज़ या फिर कुछ ऐसे कुछ इतना ख़ास बनाती नहीं हूँ। बट हाँ, कोई एक फेस मास्क अपने, फेशियल मास्क अपने पास रखी है, और वीक में 1 दफ़ा तो अपनी स्किन केयर लाजमी करें। 4 to 5 मिनट तक कोई भी फेस मास्क लें और उसे अच्छे से अपने फेस पर रब करें, तो आई थिंक समर्स में इतना भी काफ़ी है। और फिर उसके बाद जो था, नाउ आई एम गेटिंग रेडी टू टेक शावर, बॉडी शावर लूँगी मैं, हेयर वॉश, हाँ बॉडी शावर लूँगी और सॉरी प्रॉपर शावर लूँगी, ऑयलिंग भी की है मैंने। और फिर शावर लेने के बाद नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर बिकॉज अल्लाह का शुक्र है मेरा वर्कआउट भी हो गया, मेरा पेडीक्योर भी हो गया और मेरा ऑयलिंग भी हो गई, मेरी स्किन केयर भी हो गया। तो इट वाज अ सेल्फ पैम्परिंग डे जो मेरे खुद के लिए मैंने टाइम निकाला, और आजकल अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी केयर कर रही हूँ इतना। लाइक मुझे वीक में 2 दफ़ा तो होता है कि मैं लाजमी इतना करूँ, और वर्कआउट वैसे मैं डेली करती हूँ। और उसके बाद रात को जो था हम लोग बाहर गए क्योंकि इट वाज सैटरडे, तो इतना वर्कआउट किया था। तो उसके बाद लाइक मैंने एक आइसक्रीम खा ली बिकॉज आई थिंक सैटरडे था, वीकेंड था, तो आइसक्रीम खानी तो बनती थी। तो दैट वाज फुल लोडेड विद नट्स और
वैसे नट्स ने मेरी आइसक्रीम का जो था ना मज़ा ख़राब कर दिया था, नट्स की वजह से मैंने अपनी आइसक्रीम उस तरह से इंजॉय नहीं की, बट यस इट वॉज़ मच बेटर। और फिर आइसक्रीम खाने के बाद जो था ना हम घर आए थे, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था और घर ये सब्जी पैक करवा कर लाए थे, और क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था तो इसीलिए घर आकर फिर मैंने ये सब्जी खाई जो कि बहुत ही मज़े की थी। इट वॉज़ सो यम और मज़ा आ गया खा के। वैसे मैंने काफ़ी टाइम के बाद खाई तो मूड था कि भाई कुछ देसी ट्राई करते हैं, थोड़ा कुछ देसी खाते हैं। तो खाना खाने के बाद जो था फिर मैंने रात को सोने से पहले जो थी ग्रीन टी बना के पी। भाई ग्रीन टी कोई कहवा वगैरह तो मैं नहीं बनाती, लेकिन ये जो मार्केट वाली ग्रीन टी होती है ये तो मैं खाने के बाद बिफोर स्लीपिंग लास्ट में पीती हूँ। सो दैट वाज माय टुडे प्रोडक्टिविटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।